आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल फ्यूचर ऑनलाइन क्लासेस में। आज हम इस वीडियो में सीटेट EVS नोट्स के ऊपर बात करेंगे, जो कि आपका NCERT क्लास 4 का चैप्टर फर्स्ट, जिसमें आपको पढ़ना है चलो चले स्कूल के बारे में। इस चैप्टर में जितने भी इम्पॉर्टेंट जो आपके बात हैं उसके ऊपर बात करेंगे, ताकि आपके सीटेट के एग्ज़ाम में जो है जो EVS के प्रश्न पूछे जाते हैं वह जो है NCERT के क्लास 3, 4, 5 से लेकर 8 तक के जो है चैप्टर से पूछे जाते हैं क्वेश्चन, उसमें का जो है इम्पॉर्टेंट जो टॉपिक होता है उससे रिलेटेड जो है क्वेश्चन पूछ दिए जाते हैं। तो इसीलिए जो है अगर आपको सीटेट के लिए तैयारी करनी है तो EVS के लिए जो है आपको NCERT की पुस्तक जो है पढ़नी होगी। तो इस वीडियो में जो है हम चैप्टर फर्स्ट, जिसमें आपको जानना है चलो चले स्कूल, इससे रिलेटेड जो है बहुत सारे इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन हैं जो कि सीटेट के एग्ज़ाम में पूछे गए हुए हैं और पूछे जा सकते हैं, उसके ऊपर बात करेंगे। तो मैंने एक एक प्रश्न को जो है लिखा है उसके ऊपर बात करेंगे। तो चैप्टर को समझने की कोशिश करेंगे। चलो चले स्कूल कहने का अर्थ है कि चलो चले स्कूल मतलब कि स्कूल कैसे जाएंगे। तो आपको पता होना चाहिए कि बच्चे जो होते हैं स्कूल कैसे जाते हैं, पैदल जाते हैं, गाड़ी में बैठ के जाते हैं, बस से जाते हैं, ऑटो से जाते हैं, साइकिल से जाते हैं, ये सब तरीके से जो है बच्चे स्कूल जाते हैं। तो हम जो है पूरे भारत में जो है बच्चे स्कूल कैसे जाते हैं उसके बारे में इस चैप्टर की बात को जानेंगे। तो एक एक प्रश्न के ऊपर बात करेंगे और जो भी मेन पॉइंट है मैंने इसमें लिखा है उसको आप ध्यान से सुनेंगे और समझेंगे, और हो सके तो आप इसका नोट्स भी बना लेंगे। तो जैसे कि पहला देखें, यहाँ पर प्रश्न पूछेगा कि बांस और रस्सी से बना पुल कहाँ है। अगर आप यह चैप्टर खोलते हैं तो फर्स्ट पेज में ही जो है आपको मिलेगा कि बांस और रस्सी से बना पुल कहाँ है, इस चैप्टर में पूछा गया है। तो इसी तरह से पूछ सकता है कि बांस और रस्सी से जो है बच्चे जो होते हैं उस पर चल के कहाँ पर लोग जो है स्कूल जाते हैं, तो वह जो है असम राज्य में जो होते हैं बच्चे जो होते हैं बांस के पुल या रस्सी के पुल के सहारे जो होते हैं स्कूल जाते हैं। तो आप याद रखेंगे बांस और रस्सी से बना पुल कहाँ है, तो असम में है। ये चैप्टर की मैं बात कर रहा हूँ, ऐसे आप नॉर्मली नहीं समझेंगे। सेकेंड प्रश्न है ट्रॉली से बच्चे स्कूल जाते हैं। ट्रॉली से बच्चे जो होते हैं, यहाँ पर थोड़ा गलती लिखा हुआ है, ट्रॉली से बच्चे जो होते हैं स्कूल कहाँ जाते हैं। तो ट्रॉली पर जो होते हैं बच्चे बैठकर जो होते हैं लद्दाख वाले क्षेत्र के जो बच्चे होते हैं वह स्कूल जाते हैं, तो इसको याद करेंगे लद्दाख। फिर नेक्स्ट है आपका सिरमेंट का पुल से स्कूल कहाँ जाते हैं। सिरमेंट के पुल के माध्यम से जो होते हैं उस पर चढ़कर बच्चे किस क्षेत्र में जो होते हैं स्कूल जाते हैं, तो इस पर जो होता है आपका सामान्य क्षेत्र के जो बच्चे होते हैं वह सीमेंट के पुल के सहारे जो होते हैं वो अपने स्कूल जाते हैं। फिर नेक्स्ट आपका प्रश्न आ गया ऊंट गाड़ी पर बैठकर कहाँ के बच्चे विद्यालय जाते हैं। देखिए आप क्वेश्चन को पढ़ेंगे उसी से आप जो है राज्य के नाम लिखा लेंगे। तो जैसे देखिए ऊंट गाड़ी, तो ऊंट कहाँ चलती है, तो राजस्थान में। तो आप याद रख लेंगे कि ऊंट गाड़ी पर बैठकर जो होते हैं बच्चे राजस्थान के बच्चे जो होते हैं वह स्कूल जाते हैं। उसी तरह जो होते हैं ट्रॉली, ट्रॉली ज़्यादातर जो होता है पहाड़ी इलाकों में चलता है। देखते होंगे आपने ट्रॉली देखा होगा कि पहाड़ी इलाकों में जो होता है चलता है, तो आप याद रखेंगे लद्दाख। सीमेंट का क्या होता है कि सभी क्षेत्रों में पाया जाता है, तो क्या करेंगे सामान्य क्षेत्र इसका लिखेंगे। बीच में एक छूट गया मैं उसको भी बताता हूँ, बीच में ये देखिए यहाँ पर छूटा हुआ है वल्लम, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। वल्लम जो होता है बहुत इंपॉर्टेंट है, जो कि लकड़ी की छोटी नाव होती है जिस पर बच्चे जो होते हैं बैठकर स्कूल जाते हैं। तो यह कौन सा है, तो ज़्यादातर जो होता है नाव कहाँ चलता है, तो गोवा केरल इस समय चलता है। तो केरल आप याद रखेंगे कि केरल के बच्चे जो होते हैं वल्लम में बैठकर जो होते हैं स्कूल जाते हैं, कि लकड़ी की छोटी नाव होती है जिसमें बैठकर जो होते हैं बच्चे स्कूल जाते हैं। नेक्स्ट है बैलगाड़ी पर बैठकर कहाँ के बच्चे जो होते हैं स्कूल जाते हैं, तो आप इसको नॉर्मली समझेंगे बैलगाड़ी कहाँ चलती है, तो मैदानी इलाकों में चलती है। तो मैदानी इलाके एवं गाँव के बच्चे जो होते हैं बैलगाड़ी में बैठकर जो होते हैं विद्यालय जाते हैं। चैप्टर का ही नाम है चलो चले विद्यालय, तो इसमें जो है भारत के सभी क्षेत्रों को जो है बात कही गई है कि कहाँ के बच्चे जो होते हैं किस तरह विद्यालय जाते हैं, किस यातायात का साधन का प्रयोग करके जो होते हैं विद्यालय जाते हैं, उसी की बात कही गई है। तो मैं एक एक प्रश्न को जो है बता रहा हूँ, आगे देखते हैं। तो बस ज़्यादा इसमें प्रश्न आपका महत्वपूर्ण नहीं है, इतना ही आप बस इतना याद रखेंगे। नेक्स्ट आपका प्रश्न है
उबड़ खाबड़ पथरीले रास्ते से कहाँ के बच्चे स्कूल जाते हैं? तो पथरीले रास्ते कहने का अर्थ है कि कहाँ पर पहाड़ी होगा, पहाड़ी कहने का मतलब कि उत्तराखंड, उत्तराखंड के बच्चे जो होते हैं उबड़ खाबड़ पथरीले रास्ते के माध्यम से जो होते हैं वह स्कूल जाते हैं, तो आप याद रखेंगे। फिर आपका आ गया बर्फ, बर्फ पर चलते बच्चे कहाँ के स्कूल जाते हैं, बर्फ से पर चल कर जो है कहाँ के बच्चे जो होते हैं स्कूल जाते हैं, तो आप याद रखेंगे उत्तर की पहाड़ियों के जो बच्चे हैं वह बर्फ पर चढ़ कर चल कर जो होते हैं वह स्कूल जाते हैं। अब हम जान लेंगे कि बच्चे स्कूल कैसे कैसे जाते हैं, अगर पूछ दे ऑप्शन में आपको दे देगा बहुत सारे के बच्चे स्कूल कैसे कैसे जाते हैं, तो जैसे देख लें साइकिल से जाते हैं, पैदल चल कर जाते हैं, बांस के बने पुल पर चढ़कर जाते हैं। आप यहाँ से याद रखेंगे बांस के बने पुल पर चढ़कर जाने वाले बच्चे किस राज्य के हैं, तो असम राज्य के बच्चे जो है बांस और रस्सी के सहारे जो होते हैं पुल पर बने रस्सी के सहारे उससे जो है विद्यालय जाते हैं। फिर ट्रोली, ट्रोली मैंने अभी आपको ऊपर बताया है कि ट्रोली पर जो होते हैं या पहाड़ी इलाकों में चलता है, तो लद्दाख के बच्चे जो होते हैं ट्रोली के माध्यम से जो होता है स्कूल जाते हैं ट्रोली पर बैठकर, सीमेंट का पुल पर चढ़कर। तो ये तो जो होता है सभी जिलों में सभी राज्यों में पाया जाता है, तो ये सामान्य क्षेत्र हो जाएगा कि सामान्य क्षेत्र के जो बच्चे होते हैं वो सीमेंट का पुल पर चढ़कर जो होते हैं वह विद्यालय जाते हैं। फिर आपका आ गया बल्लम पर चढ़कर, वल्लम कहने का अर्थ है कि जो छोटी नाव होती है लकड़ी की उस पर बैठकर कहाँ के बच्चे जो होते हैं स्कूल जाते हैं, तो मैंने अभी आपको बताया ना कि नाव सबसे ज़्यादा जो होता है केरल गोवा इधर चलता है समुद्री तट के किनारे हैं, तो आप याद रखेंगे वल्लम पर चढ़कर जो होता है केरल के बच्चे जो होते हैं स्कूल जाते हैं। फिर आता है ऊँट, तो ऊँट जो होता है किस राज्य में पाया जाता है, तो राजस्थान, तो आप याद रखेंगे कि राजस्थान के जो बच्चे हैं वो कहाँ जाते हैं ऊँट पर जो है बैठकर जो है स्कूल जाते हैं। फिर अगला देख लेते हैं बैलगाड़ी, तो बैलगाड़ी और जुगाड़, जुगाड़ कहने का अर्थ है कि मतलब अपने अनुसार जो है किसी चीज़ का आविष्कार करना जिस पर बैठे बच्चों को बैठकर जो है विद्यालय भेजा जाए, और बैलगाड़ी जो होता है इस पर जो होते हैं यह कहाँ के लोग जाते हैं, तो मैदानी इलाकों के और गांव के लोग जो होते हैं बैलगाड़ी पर बैठकर जो होते हैं विद्यालय जाते हैं। फिर अगले देख लेते हैं, एक दो बचा हुआ है नीचे उसको भी देख लेते हैं, तो नीचे एक और है जंगल के रास्ते जो होते हैं कहाँ के लोग जो होते हैं कहाँ के बच्चे जो होते हैं विद्यालय जाते हैं, तो जंगल के रास्ते जो होता है यह कहाँ जाते हैं उत्तराखंड, क्योंकि वहाँ पर पथरीले और मतलब पर्वत पहाड़ और जंगल जो है काफ़ी ज़्यादा है। बर्फ पर चढ़कर जो होते हैं कहाँ के बच्चे जाते हैं, तो उत्तर पहाड़ियों की जो बच्चे हैं उत्तर की पहाड़ियों के बच्चे वह जो होते हैं बर्फ पर चढ़कर जो होते हैं मतलब उस पर चल कर जो होते हैं स्कूल जाते हैं। फिर आता है उबड़ खाबड़ पथरीले रास्ते, तो पत्थर ज़्यादा कहाँ होता है या उबड़ खाबड़ जो पर्वत होते हैं वह कहाँ ज़्यादातर होते हैं, उत्तराखंड जो होता है यह है, तो ये समय जो हो जाएगा उत्तराखंड के बच्चे जो होते हैं पथरीले रास्ते पर चढ़कर जो होते हैं विद्यालय जाते हैं। तो आज मैंने इस वीडियो में जो है क्लास फोर के एनसीईआरटी के चैप्टर फर्स्ट ईवीएस के नोट्स जिसमें मैंने बताया आपको चले चलो चले विद्यालय के रिलेटेड जो है महत्वपूर्ण जो है टॉप 10 क्वेश्चन को जो है बताया है। तो आप इस वीडियो को लाइक करेंगे, शेयर करेंगे, सब्सक्राइब करेंगे, आशा करता हूँ आपको वीडियो यह समझ में आया होगा, तो अपने दोस्तों को शेयर करेंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद, थैंक यू सो मच, जय हिंद जय भारत।